इंसान यहाँ पर आए, 500 लोग रुपए बजा सब लोग। अच्छा ये आमिर का 500 ये 100 रुपए में आज ताली बजाओ, ताली बजाओ। से ये वापस आ गए हैं। जुबैर भाई जो अटाला टाइगर्स ने इस मैच को जीत लिया है। अटाला टाइगर्स 2023 का चैंपियन बन गया है। अटाला टाइगर्स 2023 का चैंपियन बन गया है और इस तरह से पूरा मैच को जीत लिया है। और फुल टॉस बॉल दी और ये देखिए हमारे कमेंटेटर बॉस को पास 4 रन के सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा पास मोर में जा रहा है किसी और के फोन से। और ये ये ट्रॉफी के साथ ये फिर जो है 120 रन नाटा का बहुत अच्छी बैटिंग की है यहाँ पर दिव्यांशु ने और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार। आज आरपीएल का लास्ट डे है और ये हमारे साथ चांद बाबा है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। चांद बाबा विश यू ऑल द बेस्ट आपको आज के लिए। तो आज क्या करेंगे, कितने छक्के मारेंगे आज बताइए। चलिए अच्छा ऑल द बेस्ट, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी रणनीति छुपाना चाह रहे हैं। सिल्वर क्वाइन से अबे हेलो राजा की भूमिका मैंने है। भाई कौन बोलेगा, अबे सामने से हट जाओ। थोड़ी देर में हमारा ये आज का पहला मैच स्टार्टिंग की ओर पड़ रहा है। फाइनल का मैच है तो कम से कम 50,000 से ज्यादा दर्शक आएंगे। बढ़िया
सीन वहाँ पर पे टीचर ने पहने का। और ये कोशिश तो की है और यहाँ पे शायद चार रन लग जाएंगे। और स्ट्रेट ड्राइव किया है वहां पर और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। बहुत खूबसूरत शॉट और कई शादाब की तारीफ और फिर बहुत खूबसूरत शॉट और लोग वहां पर बैठे। उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जो फील्डर लगे हैं उनको परेशान ना होने पाए। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वाकई। देखिए स्टाफ और फ्री हिट का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। मारू पूरी तरह से विकेट पर आगे पीछे कदमों का इस्तेमाल यार्ड बॉल हो या शॉट हो तो उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। और फिर आप स्टंप के काफी बाहर वाइड बॉल कैसे और फुल टॉस बॉल दी। और ये देखिए हमारे कमेंटेटर बॉस के पास चार रन के सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा पास होने की कोशिश की और फिर स्ट्रेट ड्राइव किया है। वहां पर फील्डर मौजूद है जब तक फील्ड करते हैं और मिस फील्ड हुआ और बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए दो बॉल पर 10 रन आ चुके हैं। यहां से टर्निंग पॉइंट था मैंने बताया था आपको। 14 रन आ चुके हैं तीन बॉलों पर और शगुन स्पोर्ट्स एकेडमी के खेमे में खुशी की लहर है। 16 रन आ चुके हैं तीन बॉल पर और फिर खेलने का प्रयास लेकिन वहां पर थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ था लेकिन फौरन ही फर्स्ट स्लिप से निकल कर आया। अच्छा फील्ड किया वापस बॉलर के पास। आरिफ चांद बाबा बहुत महंगे साबित हो गए। फिर जोरदार शॉट वहां पर खेला फील्डर मौजूद और सीधे सीमा रेखा के बाहर जा रहा है। बहुत खूबसूरत शॉट और किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत कैच। और इसी के साथ समीर पवेल वापस आ रहे। इश्तियाक अली ने दो छक्का हर बॉल को छक्का नहीं लगता और बहुत सारे इनाम हैं यहाँ पर। वसीम अहमद गुट्टी के चाहने वाले धीरे धीरे यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और तीन बॉल इतना हमारे बीच में पे तशरीफ ला चुके हैं। इनका भी खैर मकदम अपनी ओर से पूरी टूर्नामेंट कर आप लोग अपने सारे मेडल की हरकत न करें। आपको बियाना वॉरियर्स के जो कैप्टन है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने खिलाड़ियों को दर्शकों को बाहर करें। देखिए ये खेल के भावना से हमेशा एक खिलाड़ी को चाहिए डिसिप्लिन रखकर ग्राउंड के अंदर। ठीक है किसी तरह की कोई बात नहीं इश्तियाक साहब बुलाने खिलाड़ी को यही एक अच्छा ये है। देखिए खेल प्रेमी है ये इश्तियाक अली साहब और बड़ी उम्मीदें इनसे हैं क्योंकि ये खेल भावना जानते हैं और ये कोई खाली यहाँ के टूर्नामेंट नहीं खेलते। इश्तियाक अली साहब पूरे उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता और ये एक सीनियर खिलाड़ी होकर के और इस तरह से अगर ग्राउंड में और
इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये पहला साल इस 10 साल से लगा दोनों इश्तियाक अली के सीनियर प्लेयर आ गए हैं और हम जानते हैं इश्तियाक अली साहब स्पोर्ट्स मैन है और कोई मार्केट में नंबर दे देना हमें तो दे देंगे और उसकी भी ऐसी होती है अच्छी वैसी रहेगी और कैसी रहेगी इनको कोई स्पिनर नहीं फंसा सकता है। पांच बॉलर में कुछ चटपा देना होगा बॉलर को फ्लाइट या इस तरह का दो ले लिया और ये देखिए एक अच्छा मौका था वहां पर और इस तरह से दो रन पूरा किए एक जीवन दान मिला दो खिलाड़ी वहां पर और पूरा मैच देख रहे हैं भारतीय और जोरदार शॉट और सीधा सीधा छह रन दस का सारा छह रन का बहुत खूबसूरत शॉट छह रन के लिए वहां पर और इस तरह से ये छह रन हो रहा है जादू हमें लगता है कि ये सैकड़ा करेंगे अपना पूरा इस टूर्नामेंट क्या अभी तक किसी ने 100 रन नहीं बनाया है शतक मार देगा और शतक लगा सकते हैं काफी अच्छा स्कोर दिव्यांश पाल द्वारा बहुत अच्छा खेले बहुत अच्छा आपको हमारी शुभकामनाएं आरबीएल के पूरे सीजन की बहुत अच्छी बॉल आप स्टंप पर और यार भारतीय ठीक तरह से खेल नहीं सके वहां पर हो जाएगी भाई इंशाल्लाह हो जाएगा 10 साल तक ही कराएगा टिकट पहले ओवर में 25 रन नासिर आजम को हारिस अल्वी को और हाशिम को अनस को जितने क्रिकेटर थे आज उनकी सबकी जो है 134 रन आ चुके हैं 8 ओवर की समाप्ति पर और पावर प्ले का पूरा लाभ उठाया। अब ये नवा ओवर हाशिम द्वारा फेंका जाएगा गोल पालक छोर से। हाशिम ने बहुत अच्छी बॉल की है हाशिम ने वाकई आज जिस तरह से अनस ने जो कैच छोड़ा है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अनस
क्रिकेटर होकर और बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक बाल पर बिल्कुल लाइन में आ गए थे। ये खड़ा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे कहीं मैं बाहर तो नहीं खड़ा हूँ। और एक और शाबाश 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 फिल्टर निकल कर आया। ए दो जगह दो गया थान में थान में मात्र दो रन दूर है सिर्फ। बस 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 अरे गजब यार गजब गजब 99 और बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट और कितनी खुशी की लहर दौड़ी है। और आमिर बिल्कुल गिर पड़े हैं, रन बना रहे हैं दिव्यांश और आमिर थक गए हैं लेकिन जल्दी उठे आप क्योंकि तीसरा मैच भी होना है फाइनल भी होना है। खड़े होइए अभी फाइनल में। हाशिम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शाबाश अच्छी फील्डिंग की वहां पर एक रन से संतोष करना पड़ेगा। बोले जादू नाइट और वसीम अहमद गुड्डू देखे खड़े होकर के इस खिलाड़ी का वहां से किस तरह से आप देखिए दर्शक मार रहे हैं किसी वक्त भी कैच हो सकता है। बाउंड्री लाइन से आप बिल्कुल दूर रहे ये जो बच्चे टहल रहे हैं ग्राउंड से बाहर जाए। सबसे पहले आपने बताया कि कई साल से आप इस टूर्नामेंट में यहाँ पर खेल रहे हैं।
अच्छा कई साल से आप इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं? पिछले तीन साल से आप इस टूर्नामेंट के बारे में सबसे पहले बताइए। वसीम अहमद गुंडू, गंगा जमुनी तहसीब, जिस तरह से एक धागे में पूरे अपने वार्ड को बांधे हुए, आप इस टूर्नामेंट के बारे में बताइए। अच्छा आप बताएं कि आप किस तरह का अभ्यास करते हैं प्रतिदिन, और आप किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर जाते ही आपने आप इन्होंने कैप्टन ताज जी को पहले बल्लेबाजी आपको दे दी, उसका पूरा लाभ आपने उठाया। ये सारा श्रेय जो है ईश्वर को दे रहे हैं, एक अल्लाह है, एक ईश्वर, एक गॉड, उसको ये दे रहे हैं कि उसकी दे रहे हैं। मेरा आज दिन तावड़े बनाया वेल्डन पांच शाही कमाल साहब यहाँ पर आए 500 रुपए। अब आपका फाइनल मैच होगा, फाइनल में आपकी क्या तैयारी होगी? अभी तो आपको इस मैच को भी देखना है, उनके पास भी बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, किस तरह के आप अभी मैच खेलेंगे? अलविंद कह रहे हैं फाइनल में खेलूंगा और जीतूंगा। शाहिद कमाल साहब की तरफ से आपने जिस तरह की बैटिंग की, आपको जिस तरह से आपने सारे रिकॉर्ड तोड़े, इश्तियाक मामू की तरफ से 500 रुपए। आमिर को 500 रुपए किसने दिया? ये इमरान साहब ने 500 रुपए। कितना इनाम सारा श्रेय दिव्यांश को देते हैं, अपनी पूरी टीम रियाज खान के बारे में क्या कहेंगे? इतना बड़ा फैसला किया मैंने आप प्रवेश के बाद आप लोगों को देखते हमारे पास ऐसा सीनियर खिलाड़ी है कि हर मैच हम जीतेंगे, और लल्लू चाय वाले की तरफ से पूरी टीम को चाय का इनाम दिया गया है, और कुछ इनाम तो कितने इनाम दिए गए हैं, लाखों रुपए इन लोगों की चल रही है। बारी है जो जितना अच्छा कैप पहुंचने वाला है ग्राउंड में पहुंच जाए, 500 रुपया नगद पुरस्कार, एक आरपीएल कैप, एक टीशर्ट। डायरेक्ट खिलाड़ी है, अपनी मेहनत लगाइए, 500 रुपए का मामला है, एक आरपीएल की टीशर्ट, एक कैप, आप अपनी मेहनत से पाइए इनाम। अभी आपको सम्मानित किया जाएगा, फिर एक मैच खेलने का और आप मत नहीं है, एक मैच और है आपके पास जीतने का, 500 रुपए एक आपका। तो इसकी जानकारी जो है गुड्डू भाई अभी अभी आपको बताएंगे कि क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है इस टूर्नामेंट को कराने का। ये मैच होली के ऊपर कराया जाता है, ये मैच जो है कोई भावना से ये संभावना के साथ कराया जाता है, और इस मैच को हम लोगों ने पूरे वार्ड की टीम, बाहर की टीम नहीं रखा, हमने सिर्फ वार्ड की टीम रखा है, इस वार्ड की 8 टीमें हैं जो सिर्फ हमारे ही वार्ड की है, और सारे लोग खेलते हैं, ये संभावना का मैच है, और ये हमेशा इसी तरह 8-10 सालों से हम करा रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह हम कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये कोई एक चीज अगर वाकई अल्लाह ताला कम देता है, लेकिन दिमाग बहुत है इनके पास। किस तरह से इन्होंने मामू की तारीफ करके 500 रुपया हासिल किया? शुक्रिया मामू, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे लिए भी बेस्ट कमेंट्री का इनाम यहाँ पर आया है, और ये बहुत अच्छी आरिज अलवी बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 छक्कों की हैट्रिक लगा दी है आरिज अलवी ने, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आरिज अलवी।
देखना होगा और किस तरीके से प्रहार करते हैं। दो रन और मिलेंगे आरिहल में, दोनों अंपायर डिसीजन देंगे और आप अंपायर से आप लोग दूर है, खिलाड़ी अंपायर के नजदीक मत जाएगा। देखिए जो दर्शक यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और बहुत खूबसूरत शॉट कर दिया वहाँ पर 80 के सीमा रेखा के ऊपर से खेला और बहुत जबरदस्त देखिए इस तरह से आरी धरती की धुआंधार बल्लेबाजी से पड़ा गोला को बिल्कुल गोला में दौड़ा कर रहा है और 6 रन के लिए और फिर जोरदार शॉट खेल दिया वहां पर और फील्डर जब तक कोशिश करते हैं और सीमा रेखा के ऊपर से अंपायर का इशारा देखना है। दिव्यांश पाल को 120 रन नॉट आउट, सबसे 10 साल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए दिव्यांश पाल करेला बाका बेटा किनारे हो अपना खास आप अपने हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ये देखिए ये प्राइस दिया जा रही है हर मैच मैन ऑफ द मैच और ये बाबा पैसे का पड़े यहाँ कितना इनाम आज इनको मिला है दिव्यांश पाल 120 रन नॉट आउट बनाए मुश्किल वक्त में रन बनाना बहुत अच्छा होता है। कैसे आपने तक रन बनाया वहाँ पर यही होना चाहिए अच्छे और शाही साहब ने आशीष सुबैर साहब ने इनाम आपको 151 रुपए का दिया है। हमजा इसी तरह से आप खेले और मैच को जीते उन्होंने कहा जो रूस भारतीय और तेज गति से बॉलिंग करते हैं और सदैव बंदर पे आरिजल्दी को बिना एक प्लेन बोल दिया था बड़ी चतुराई से बॉलिंग करते हैं। देखिए चार बॉल डाली थी और पहली बॉल अपने फादर को मिल गया बहुत अच्छी बॉल थी लेकिन उतना ही अच्छा सम्मान दिया वहां पर मारूफ तरीके से जो खेला है और बहुत अच्छे बैट्समैन है मारूफ और इमरान खान बहुत अच्छा हो गया है और दर्शक इतने हैं कि कहीं बैठने की जगह नहीं बहुत से लोग देखिए कहां कहां बिल्डिंगों में ऊपर बैठे हुए हैं वो देखिए कलकत्ता वहां मस्जिद के ऊपर वहां बिल्डिंग से वहां बैठे मैच देख रहा कितने बच्चे पूरा और ये देखिए शॉट वाला सीधे में टिकट पे 6 रन के लिए मारूफ को अगर आपने लाइव दी तो समझ लीजिए कि वो मैच को जीता गया है। बहुत खूबसूरत शॉट पहले ही टच कर लिया था हमजा छोटे कटे खिलाड़ी ने और ये इसकी एक क्वालिटी मैंने देखी है कि ये पैर को थोड़ा सा आगे निकालते हैं और ये खूबसूरत शॉट वहां पर दो फील्डर के बीच से और सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए कोई गति नहीं। देखिए दर्शकों से बड़ा लोग बॉल का कुर्सी लगाने वाले बच्चे और पीछे में आते हैं और सीमा रेखा के लिए बाउंड्री लाइन के बच्चे बैठे हैं सामने कुर्सी पीछे करने को के लिए चाहिए बड़ा शॉट हुआ बच्चे लगा है उन्हीं के पास गए और अब की उन्होंने कहा कि कैच ले लो वरना दर्शन किया करके हमारे प्लेयर कर सकते हैं और अटल टाइगर्स की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग लिया और फाइनल तक पहुंचने में रियाज खान का बड़ा योगदान था। जीत लिया है अटाला टाइगर्स।
आप लोगों को जीता, बहुत बड़ी जीत, एक और बड़ी जीत। इससे पहले हासिल करने से जीत हासिल की थी, अब हटो भाई, हटो सामने से।
और ये देखिए इस तरह से चमचमाती हुई ट्रॉफी पर कब्जा किया काला टाइगर्स ने। पहली बार ये टीम आई है जाओ सब लोग शुक्राना पढ़ो। चलो 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 बात 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 फोटो की दिव्यांशु ट्रॉफी के साथ ये फ्रिज जो है 120 रन नाटक का बहुत अच्छी बैटिंग की है यहाँ पर दिव्यांशु ने और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार वसीम अहमद टुड्डू के हाथों लेते हुए बहुत बढ़िया अभिनंदन। अनस भाई हार्ड लक दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और RPL 2023 को अटाला वॉरियर्स ने जीत लिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।